कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखना है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ H2 एंड Br2 बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर विच रेट कांस्टेंट 5 × 10⁻⁷ एंड 15 × 10⁻⁷ ऑकर्ड एट टेम्परेचर 27 °C एंड 37 °C रिस्पेक्टिवली। और जो कैपिटल आर की वैल्यू दी है, जो है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी है 2 कैलोरी। सबसे पहले हमें टेम्परेचर कितने दिए हैं, 2 टेम्परेचर दिए हैं जिस पे अलग अलग रेट कांस्टेंट है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक तो H2 और एक Br2। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें? K1 मतलब रेट कांस्टेंट 1, 5 × 10⁻⁷, K2 15 × 10⁻⁷, टेम्परेचर T1 27 °C। अब डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन में डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे 273। तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो होगी 300 केल्विन। तो T1 कितना है? 300 केल्विन। इसके बाद में T2 कितना है? 37 °C। इसमें भी हम 273 ऐड कर देंगे तो हमें केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। ये आता है 310 केल्विन। सो T1 इज 300 केल्विन एंड T2 इज 310 केल्विन। और जो गैस कांस्टेंट है वो होता है 2 कैलोरी या तो फिर 8.314 joule per mole per kelvin। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड होगा हमारे इस यूनिट पर। सो सॉल्यूशन, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? log⁻⁰ K2/K1 इज इक्वल टू Ea/2.303 R इंटू T2 - T1/T1 × T2। इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करना है। हमें T1 T2 पता है, K2 K1 पता है, R की वैल्यू पता है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो वैल्यू पुट करेंगे हम log⁻⁰। K2 कितना है? 15 × 10⁻⁷ अपॉन K1 5 × 10⁻⁷। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7 - 7 कट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 3।
इज इक्वल टू ई ए, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें निकालना है, अपॉन 2.303 आर, इंटू टी टू. टी टू है 315, टी वन की वैल्यू है 310, नीचे क्या आएगा, टी टू की वैल्यू है 310, और टी वन की वैल्यू है 300, इंटू 310. ये हो गया टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. नेक्स्ट, यहाँ पर क्या मिला हमें, लॉग टू द बेस 10 3 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, मतलब 8.314. इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है 19.147. तो ये हम यहाँ पर पुट कर लेंगे. नाइनटीन पॉइंट वन फोर सेवन इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा, 310 माइनस 300 दैट इज 10, अपॉन 300 इंटू 310, ये आएगा 93,000. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/93 इंटू 10^3. इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10/93 इंटू 10^, नीचे प्लस 3 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3. मतलब ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमें आंसर लॉग टू द बेस 10^3 का आंसर क्या होता है, 0.4771. इज इक्वल टू ई ए अपॉन 19.147 इंटू 10/93 इंटू 10^-3. अब इसका आंसर अगर हम निकालते हैं ई ए, तो हमें मिलता है माइनस 849.56 इंटू 10^2, और इसका यूनिट होगा जूल पर मोल. ये है हमारा फाइनल आंसर.
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू -84849.56 इंटू 10^2 जूल पर मोल. सेकंड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन इन विच 5×10⁻¹ एंड 1×10⁻¹³ आर रिएक्शन रेट एट 27°C एंड 37°C टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एंड गिवन आर इज 8.431 जूल पर डिग्री पर मोल. यहाँ पर गिवन क्या है हमें, रेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू 5×10⁻¹. K2 1×10⁻¹³. T1 27°C को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन. दिस इज द T1 एंड T2 इज इक्वल टू 37°C टेम्परेचर दिया है, प्लस 273 इज इक्वल टू 310 केल्विन. दिस इज द T2. हमें निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दैट इज ईए. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, लॉग टू द बेस 10 K2/K1 इज इक्वल टू ईए अपॉन 2.303 R. T2 - T1/T1×T2. This is the formula. अब वैल्यू पुट करेंगे, log to the base 10. K2 की वैल्यू कितनी है, 1×10⁻¹³. K1 की वैल्यू 5×10⁻¹⁹ is equal to EA/2.303 R. R की वैल्यू कितनी है, 8.431 T2 - T1. T2 की वैल्यू है 310, T1 300 अपॉन T1×T2 मतलब 310×300. अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है log to the base 10 0.2×10⁻¹⁴ is equal to EA/2.303×8.431. अब T2 - T1 10/9300. इस साइड को सॉल्व कर लेंगे हम, EA/2.303
इंटू 8.431 डिवाइड में क्या है 93, और 93 इंटू 10 to the power 3 है, तो उसे हम ऊपर ले लेंगे तो क्या आएगा 10 into 10 to the power -3, और नीचे रहेगा सिर्फ 93, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में किया था। और 10 to the power 1 into 10 to the power -3 क्या आ जाएगा 10 to the power -2, और 93 नीचे। अब इसका आंसर क्या आएगा, log to the base 10 2 into 10 to the power -5, ये यहाँ पर क्या है log to the base 10 2 into 10 to the power -5। यहाँ पे 0.2 into 10 to the power -4 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 into 10 to the power -5 में, दोनों इक्वल ही है। अब इसका आंसर क्या आता है -4.5990। सो सब कैलकुलेशन करने के बाद में हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू मिलती है -8189.36 into 10 to the power 2, और इसका यूनिट क्या होगा जूल पर मोल।